हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के अंडर हम लोगों ने वन रीजेंट बेस सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने कर ली है। इसमें मैंने आपको जेई और नीट और जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है उनको मैंने किया है डिस्कस। अब वन रीजेंट के बेस पे जितनी हो सकती प्रॉब्लम केस मैंने वो तो कर लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जब हमारे पास दो दिए हो रीजेंट, अब दो रीजेंट दिए होंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो वहां हम यूज करेंगे एक लिमिटिंग रीजेंट, दूसरा है एक्सेस रीजेंट। सर, एक्सेस रीजेंट क्या है, लिमिटिंग रीजेंट्स क्या है, अभी जानेंगे कुछ पल के बाद। लेकिन उससे पहले आपको रूबरू कराऊं आपको कि सर एक कंडीशन अप्लाई कब और क्यों होगी। ये अप्लाई जब होती है जब हमको मिनिमम दो रीजेंट दिए हो, या ऐसा हो सकता है कि दो से ज्यादा दिए हो। क्लियर? हाँ, तो पहले जानते हैं कि सर जो एक्सेस रीजेंट है और लिमिटिंग रीजेंट है इनकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि तुम लिमिटिंग रीजेंट हो कि तुम एक्सेस रीजेंट हो। देखिए यहां पर क्या, जो एक्सेस है इनके नाम में क्या आ रहा है, इनके नाम में आ रहा है एक्सेस, मतलब ये बच जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। क्लियर? तो इसलिए लिखा है कि द रीजेंट्स विच इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बेटा आने की बच जाना, ठीक, आने की कोई वैल्यू है वो वेट हो सकता है या मोल हो सकता है, उसकी वैल्यू जब रिएक्शन होगी तो उसके लास्ट में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बची रहेगी, तो वो कहेंगे उसको एक्सेस रीजेंट, ई आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे है लिमिटिंग रीजेंट्स। अब लिमिटिंग रीजेंट नाम में आ रहा है लिमिट, मतलब लिमिट में रहो, मतलब क्या है, ये चीज बहुत ही कम होगी और इनके चांस है कि कम है, तो ये रिएक्शन के जो एंड में यानी लास्ट में ये वैल्यू पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, द रीजेंट्स विच कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कंबाइन करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू चाहे मोल्स कही या वेट कहे, यानी कि एंड ऑफ रिएक्शन यानी जीरो वैल्यू बचेगी इसकी। क्लियर? तो सर हम ये तो बात है सर इसकी डिफिनेशन की, और हम इसका कैसे पहचानेंगे, तो ये फार्मूला इसका, मोल किसके लेंगे, रिएक्टेंट के, और उसी के लेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर ये क्या है अभी हम लोग सीखते निकालना। क्लियर? देखिए यहां पर जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, यहां पर देखना, ये एक एग्जांपल का बेटा, यहां पर देखना एग्जांपल, ये दिया 3a प्लस 5b, और यहां दिया मैंने आपको आने की d प्लस 2e, इतना क्लियर। इनके मोल मैंने बेटा, ये प्रॉब्लम है, ये इसके मोल मैंने लिए 10 मोल दिए हैं एग्जाम में, इसके मोल मैंने लिए यहां पर, चलो इसके भी 10 मोल ले लेते हैं, 10 मोल इसके बेटा और 10 मोल इसके हैं। क्लियर? अब बताना है कि इसके कितने मोल यहां पर मिलेंगे, इसके कितने मोल यहां पर मिलेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए यहां पर कि जो लिमिटिंग रीजेंट्स कौन है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किनको बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू होती ना, ये वैल्यू है, ये है संख्या, अब कुछ नहीं है तो यहां क्या मानते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं, इसी प्रकार यहां कितना 2 है, तो ये जो संख्या होती है जो वैल्यू उसके आगे, तो इनको बोलते हैं बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया गया है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे ए का कितना है, 2 है, बी का क्या मानेंगे, 1, और बी का मानेंगे 5 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए का मानेंगे 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि सर इसका स्टोइकोमेट्रिक 3 है, इसका 5 है, इसका 1 है और इसका 2 है। सर एक बार बता दो कि लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालेंगे, तो आइए यहां पर
लिमिटिंग रीजन निकालने का बेटा तरीका क्या है, यहाँ देखिए इसको। अगर मैं इसके देख दूं कि लिमिटिंग रीजेंट है क्या, क्या लिमिटिंग रीजेंट ये होगा, क्या ये होगा, तो आओ जानते हैं इसको निकालने का। लिमिटिंग रीजेंट्स अभी मैंने बताया था कि लिमिटिंग रीजेंट्स क्या होता है, हम मोल पे हैं, जिसके मोल लेंगे रिएक्टेंट के तो उसी के लेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो इनके कितने मोल हैं, ए के मोल कितने हैं 10 दिए हैं, बी के मोल कितने दिए हैं 10। अगर मैं ए के निकालूं कि ए लिमिटिंग रीजेंट है या नहीं है, पहचान करते हैं। देखिएगा ए के कितने मोल है पर 10 मोल है, तो 10 मैंने यहां लिख दिए, मोल्स लिख दिए मैंने। अब स्टोइकोमेट्रिक देखते हैं, ए का कितना है 3 स्टोइकोमेट्रिक है, तो मैंने यहां लिख दिया कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए 3। तो इसकी बेटा कितनी आएगी, लगभग ये आएगी 3.3 के आसपास आएगी। ऐसे यहां देखते हैं, अब बी का देखते हैं कि बी लिमिटिंग रीजेंट है या नहीं भी है। तो अब देखिए बी के मोल रख दी मैंने 10, अब बी के जो स्टोइकोमेट्रिक है वो मैंने रख दिए कितने हैं 5। तो आप देखोगे बेटा यहां वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो पता ये चला कि ये वैल्यू क्या है, कम है, और ये वैल्यू ज्यादा है। तो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि बी के मोल खत्म होंगे, मतलब बी है लिमिटिंग रिएजेंट्स, तो अब एक होना पड़ेगा एक्स रिएजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि दो ही होते हैं नेचर, या तो एक अमीर है या एक गरीब है, क्लियर। हाँ, तो इसी प्रकार तो अब ए के नाम में लगा देंगे बेटा यहाँ पर कि ए तुमको बोलेंगे अब कि हो लिमिटिंग रिएजेंट्स, तो अब इनको कहना पड़ेगा कि तुम हो एक्सेस रीजेंट, क्लियर। और लिमिटिंग रीजेंट्स है तो इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे लास्ट में, यानी कि 0, मतलब इनके पास कुछ भी अमाउंट नहीं बची है, चाहे मोल सही चाहे वेट सही, क्लियर। और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन के एंड में मिलेगी, क्लियर। तो ये क्या है, लिमिटिंग रीजेंट्स को निकालने के बड़ा ये तरीका है। ये मैंने ए का दिखाया है और ये मैंने बी के लिए निकालना दिखाया मैंने, क्लियर। ये है तरीका इनको। अब देखिए यहां पर अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बस तरीका सीखिएगा, क्लियर। अब ए के कितने हैं 10 मोल्स हैं, तो मैंने यहां लिख दिया इस तरह से ये, और यहां लिख दिया ऐसे, ये तरीके, बस देखते जाइएगा। हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी वैल्यू विद टाइम के साथ कुछ ना कुछ कम होती है, जितनी कम होती है उतनी ही वैल्यू प्रोडक्ट में बनती है। तो मैंने मान लिया कि रिएक्टेंट तुम्हारी वैल्यू वो हम पर एक्स कम हो रही है, सर माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू विद टाइम घटेगी, इसलिए माइनस लगा दिया। अब बी में लगा दिया मैंने माइनस का एक्स, सर एक्स क्यों लिया, एक्स मैंने मान लिया कि वैल्यू इनकी डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है, तो उसको मैंने एक्स मान लिया। ऐसे यहां यहां लिख दिया मैंने प्लस का एक्स, सर प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहां वैल्यू कोई बन रही है यानी प्रोडक्ट है और बन रही है वैल्यू, बढ़ती होगी संख्या, तो इसलिए मैंने प्लस ले लिया यहां पर। अब यहां पर प्लस का एक्स, क्लियर। हाँ, तो अब देखिएगा यहां पर देखिएगा इसकी वैल्यू, यहां इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो कितने टाइम्स होगी, वो होगी 3 times, तो 3 मैंने यहां लिख दिया। यहां इसकी वैल्यू कितने टाइम डिक्रीज होगी, तो वो लिख दिया मैंने 5। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि इनकी ये रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ इनकी वैल्यू कम होगी यहां पर, ठीक। अब कुछ नहीं है तो मैंने लिख दिया बेटा 1, कुछ नहीं है यहां पर क्या है, तो 1 मैंने मान लिया, ठीक। अब ऐसे कितने हैं 2 है, तो 2 मैंने ये लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 2 टाइम्स वैल्यू बढ़ेगी, यानी बनेगी या बढ़े बात एक ही है, ऐसे इसकी वैल्यू 1 टाइम्स यहां पर बनेगी। तो मैंने जो वैल्यू यहां पर x लिख दिया मैंने प्लस में, क्योंकि वैल्यू यहां बन रही है, और माइनस लिख दिया यहां पर क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। ये 5 गुना कम होगी, ये 3 गुना कम होगी, ये 1 गुना बढ़ेगी और ये 2 गुना बढ़ेगी, ठीक। हाँ, तो अब देखिएगा, अब कोई भी हमारे पास अनेक खर्चा होगा कम होगा, तो उसमें से होगा कि जो हमारी संपत्ति है, इनके पास कितनी संपत्ति है,
बेटा इनके पास है जो गिवन मोल है वो कितने हैं, 10 मोल ए के। बी के कितने हैं बेटा, ये 10 मोल, यानी कि ए के 10 मोल, बी के 10 मोल। तो अब जो मोल ये कम होगी तो जो गिवन मोल है उसमें से माइनस करेंगे, ये वैल्यू भी किसमें से करेंगे माइनस, जो इनके पास गिवन मोल है। ठीक, हाँ। तो अब देखिए हम आने कर दिए बेटा फर्क, यानी कि tan माइनस के 3x, क्लियर, ऐसे यहां कर दिया tan माइनस के 5x, इतना क्लियर ये वैल्यू है। अब इसी प्रकार यहां कर दिया मैंने, यहां पर मैंने x और यहां मैंने 2x, जो वैल्यू बन रही है 2x कर दिया, ये बन रही है x कर दिया, क्योंकि यहां कोई इनिशियल मोल नहीं है। अगर इनके इनिशियल मोल होते या 2 मोल होते या 3 मोल होते तो मैं यहां लिखता, यानी कि 2 प्लस एक्स, जैसे एग्जांपल के लिए इसके अगर पास 5 मोल होते इनिशियल में तो 5 प्लस एक्स लिखता, अगर 4 मोल होते तो 4 प्लस एक्स लिखता मैं, क्लियर। अब इनिशियल तो मोल तो है नहीं कि बन रहे हैं, तो मैंने एक्स लिख दिया या 2x लिख दिया, इनके पास इनिशियल थे तो इनिशियल मास वैल्यू मैंने माइनस कर दी। यहां पर ध्यान रखना, सिंपल लफ्जों में बोलना कि जो रिएक्टेंट है उसमें वैल्यू जो होती है वो कम होती है विद टाइम, वही वैल्यू प्रोडक्ट में विद टाइम बढ़ती है, क्लियर। हाँ, तो अब देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट्स है तो इनकी वैल्यू जीरो बचेगी, क्लियर। तो आइएगा यहां देखना, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहां पर यहां लिख दिया tan माइनस के 5x इक्वल टू जीरो। सर जीरो क्यों लिया, जीरो यहां क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सिस रीजेंट है, इसकी वैल्यू बचेगी तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू जीरो करेंगे क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये है लिमिटिंग रीजेंट्स, और लिमिटिंग रीजेंट्स का मैंने बताया था कि पूरी तरह क्या करती है, यानी कंबाइंडली, यानी रिएक्टेंट की वैल्यू कंबाइन करती है, तो मतलब इसकी वैल्यू जीरो बचेगी। तो इसलिए बेटा यहां सॉल्व करोगे वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, tan इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां पर x की वैल्यू आएगी यानी कि 2, क्लियर, यानी 2 वैल्यू आएगी इसकी। अब यहां देखते हैं, यहां पर तो अब देखते हैं, यहां tan माइनस के 3 इंटू 2, एक्स बराबर 2 रख दिया तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, tan माइनस के 6, तो अब हम बोलेंगे tan में से 6 जाएगा कितने हो गए, यानी कि 4 मोल इसके बेटा यहां पर बचेंगे, यहां पर 4 मोल लेफ्ट, यानी कि ए के 10 मोल थे, 6 मोल बर्बाद हो गए या लॉस हो गए या कम हो गए, मतलब 4 मोल बचे यहां पर, क्लियर। हाँ, तो ये जो वैल्यू बेटा इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि क्या हो गए, ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, इतनी वैल्यू, क्लियर। हाँ, यानी कि 4 मोल बच गए इनके। इसी प्रकार अब यहां देखते हैं, यहां इसकी बेटा ये यानी 0 मोल, इससे बेटा कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि हमने ये जीरो किया है, मैंने ये वैल्यू नहीं है, ये तो वो वैल्यू है एक्स जो वैल्यू कम हो रही है, मैंने एक्स माना था जो डिक्रीज हो रही है, क्लियर। हाँ, ऐसे यहां पर तो इसके 0 मोल बचेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट्स है। अब इसके देखते हैं एक्स बराबर कितना है, 2, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी यहां पर ये यानी कि 2 मोल्स, तो 2 मोल्स किसको होगा, यहां पर 2 मोल्स यानी कि इसके बनेंगे यहां पर फॉर्म्स, क्योंकि रिएक्टेंट में वैल्यू कम होती है तो मैंने यहां लिख दिया लेफ्ट, यहां बन रहे हैं तो मैंने लिख दिया फॉर्म्स, यहां कितने होंगे 2 और इनटू 2 रख दिए ये, तो अब देखिए यहां पर इसके 4 मोल्स यहां पर क्या होंगे बेटा, 4 मोल्स यहां पर बनेंगे, क्लियर। हाँ, ये है तरीका इनको सॉल्व करने का, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तरीका, ये आप किताब में देखोगे तो किताब में आपको ये मेथड नहीं मिलेगा, आपको किताब में कौन सा मेथड मिलेगा कि इनके मोल है यहाँ पर वैल्यू है उनसे है डिवाइड करती है, बड़ा लेंथी है वो, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है लॉजिक,
जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है उसी को जीरो कर दो, जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू मिलेगी, यानी कि कितने टाइम्स यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, और यहाँ बताएगा कितने टाइम्स वैल्यू बन गई है यहाँ पर, ठीक। तो ये है इनको सॉल्व करने के यहाँ पर तरीका इनको। अब इसी के बेस पर मैं आपको देता हूँ और न्यूमेरिकल, आप क्लियर, ये है क्वेश्चन, नोट करना इसको। आइए अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन और यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये लिखना कि 20 moles ऑफ हाइड्रोजन, 20 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस, moles कंबाइंड विद 10 moles ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब है जी, मतलब गैस, हाँ, 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म्स अमोनिया गैस एट गिवन एसटीपी क्या है, या मैं लिख रहा हूं उसको, वो बोल देगा आपको 1 ATM बोल देगा, 1 bar बोल सकता है, या 760 mmHg बोल सकता है, ठीक, हाँ, एंड 273 Kelvin टेम्परेचर। और कह रहा है कि हाँ देखिएगा 20 मोल्स हाइड्रोजन गैस जो कंबाइन हो रही है किसके साथ, यानी 10 मोल नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म्स यानी बना रही है अमोनिया गैस एट गिवन एसटीपी कहें या कहें 1 ATM कहें, 273 केल्विन कहें, या सिंपल लफ्जों में कहना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं, इसी चीज को बोल सकते हैं 760 mmHg प्रेशर कहें, या ये बोल सकते हैं 0°C, ठीक। ये है एसटीपी कहें या एनटीपी कह सकते हैं आपको, ठीक, बस थोड़ा माइनर सा फर्क होता है एनटीपी और एसटीपी, बल्कि सिंपल ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्लियर। अब इसके मुताबिक मेरे को सॉल्व करना है यार कि अमोनिया अब तुम कितनी बनोगी यहाँ पर, हाइड्रोजन ने कहा कि 20 मोल लेके मैं आई हूँ, तो नाइट्रोजन कहा तुमसे क्या कम थोड़ा नहीं है, हम भी कितने लेके आए, 10 मोल लेके आए, दोनों मिले, अब मिलके एक नई अमोनिया बना दी धुआंधार। जानते हैं कि अमोनिया गैस कितने मोल बन रही है, तो आइए बेटा इसको निकालने की तरीका निकालते हैं। वही सिंपल तरीका, हाइड्रोजन माने यहां लिख दी, हाइड्रोजन यहां आ जाओ, नाइट्रोजन तुम यहां आ जाओ, अब बना दो जाके यहां पर बेटा अपनी अमोनिया गैस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह लिख दिया और आपको सॉल्व कर दिया तो बेटा क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, वो इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो एटम दिखना, नाइट्रोजन कितने एटम है, 2 यहाँ 1, मतलब एटम यहाँ बैलेंस नहीं है। पहले तो क्या करोगे, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, क्लियर। तो आइए इनकी हम बैलेंस निकालते हैं, 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो 2 से बेटा मल्टीप्लाई यहां कर दिया, एटम नाइट्रोजन के बैलेंस हो गए, 3 और 2 6 है एटम हाइड्रोजन के, तो यहां बेटा मैंने कर दिया 3 कर दिया, इतना क्लियर। और अब देखिए कितने दिए हैं बेटा, 20 मोल दिए हैं हाइड्रोजन गैस के, 10 मोल दिए हैं नाइट्रोजन गैस के, तो आओ इनके मोल लिख दो, 20 मोल किसके हैं यहां पर, ये 20 मोल यहां पर है हाइड्रोजन गैस, और 10 मोल किसके हैं यहां पर, ये 10 मोल है नाइट्रोजन गैस के। तो पहले ये बताना है कि टू फॉर्म्स अमोनिया गैस कितनी यहां बनेगी, क्लियर। तो आओ पहले इनके जो मोल्स हैं बेटा पहले मोल्स ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल्स निकाल लोगे तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इनका वेट निकाल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर यहां से निकाल सकते हैं अगर मोल्स पता है, क्लियर। तो पहले सर हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है कि इसमें ये डिसाइड करेगा कि कितनी अमोनिया बनानी है,
क्लियर। हाँ, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस कोर्सेस में दिखाऊंगा आपको मैं कि कौन डिसाइड करेगा कितने मोल बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। जैसे आप देखिए सिंपल देखना, जैसे कि मान लेते हैं यहां से आप गए नोएडा, गए और नोएडा में दो लोग हैं, दो एक की जो कमाई है मान लेते बेटा वो मंथली उसको घर से आ रहा है 7,000 रुपये आ रहा है, और एक बच्चा है वो बच्चा यानी कि घर से नहीं ले रहा, वो बेचारा कमा के अपनी पढ़ाई खुद कर रहा है, मतलब वो 4,000 रुपया 5,000 रुपया बच्चों से वो पे कर लेता। तो अब रहने की बात आएगी कि हॉस्टल में कहीं रहेंगे तो जो 7-8 हजार मंगा रहा घर से तो वो उसके हिसाब से रूम सेट नहीं करेगा, वो सेट ऐसे करेगा ताकि जो मेरा दोस्त है ये भी उस रूम में एडजस्ट हो पाए, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि इतना महंगा रूम ये पे नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो वही जो सबसे कम होगा वही डिसाइड करेगा कि कितने मॉल बनने हैं कितने मॉल नहीं बनने, क्यों, क्योंकि यहां से क्या निकालोगे लिमिटिंग रीजन से एक्स निकालोगे। क्लियर। मुझे पता है ना कि तुम्हारी वैल्यू खत्म पहले होगी इसलिए मैंने जीरो किया यहां पर, इसलिए अब यहां देखना बेटा इसमें भी वही गेम है। इसमें क्या है तो चेक करेंगे कि लिमिटिंग रीजन क्या तुम हो क्या तुम हो। क्लियर। तो आओ पहले इनसे पूछते हैं। तो इनने कहा आइए इस तरह आप पहले देखोगे यहां पर मोल्स, लिमिटिंग रिजल्ट्स निकालने का तरीका क्या है बेटा, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल कितने हैं एक के 10 मोल है, अब एक का सॉरी नाइट्रोजन कितने मोल है 10 मोल है, और नाइट्रोजन का कुछ नहीं है तो मान सकते हैं कि 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 1 मान ली, 1 से यहां बेटा कितना आ गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर ये 10 आ गई ना। अब यहां देखिएगा कितनी वैल्यू है इसकी ये 20 है, अब स्टोइकोमेट्रिक कितने हाइड्रोजन के 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 पॉइंट के आसपास लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतना क्लियर। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, अगर बात आएगी खत्म होने की तो ये पहले खत्म हो जाएगी हाइड्रोजन, क्योंकि भाई मैं तो निपट गई अब बाकी तुम खुद संभाल लो मुझे, क्लियर। तो अब बेटा अब इनको बोलेंगे कि तुम हो यहां पर लिमिटिंग रीजेंट्स और अब तुम क्या हो एक्सेस रीजेंट हो, क्या हो एक्सेस रीजेंट तुम हो और लिमिटिंग रीजेंट्स तुम हो एल आर लिमिटिंग रीजेंट्स। तो अब जो भी इनके मोल बनेंगे वो मोल डिसाइड ये करेगा, तो इसी के मोल पहले हम जीरो करेंगे। क्लियर। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए यहां पर यहां से देखिएगा मानते हैं जो मोल कम हो रहे हैं उसको मैंने मान लिया एक्स, मुझे पता नहीं है कितने कम हो रहे हैं मैंने एक्स मान लिए, अब ऐसे यहां मान लेते हैं माइनस के एक्स यहां दिखा लेते हैं। क्लियर। अब जितनी वैल्यू यहां कम हो रही है एक्स तो उतनी वैल्यू यहां बनेगी, यहां लिख दिया मैंने प्लस का एक्स मैंने लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए है 100 रुपए में से 1 रुपया कम हो रहा तो जहर सी बात है मेरे पास 1 रुपया कम हो रहा है तो जिससे मैंने सामान लिया है तो उसके पास 1 रुपया बढ़ जाएगा। क्लियर। तो यहां से एक एक्स वैल्यू कम हुई है तो एक्स वैल्यू यहां बन जाएगी, तो अब ये वैल्यू कितने गुना कम हो रही है कुछ नहीं है तो नाइट्रोजन का 1 मानते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू कितने टाइम्स कम हो रही है तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स, क्यों स्टोइकोमेट्रिक 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अगर अमोनिया बनने की बात आई तो अमोनिया की वैल्यू 2 टाइम्स बनेगी, क्यों एक्स कितना है 2 तो यहां मैंने कर दिया 2 कर दिया स्टोइकोमेट्रिक 2 है। क्लियर। तो अब ये वैल्यू कम हो रही है बेटा जो उसमें से कम हो रही है जो जिनके पास इतनी संपत्ति है, तो हाइड्रोजन के पास कितनी संपत्ति है 20 मोल तो 20 में से कम होगा नहीं होगा ना, तो आ इसको लिख दो 20 माइनस के 3 एक्स लिख दिया। अब ये जो वैल्यू कम होगी बेटा ये उसी में से कम होगी जो नाइट्रोजन की संपत्ति है, कितनी संपत्ति है 10 मोल तो 10 माइनस के एक्स। क्लियर। तो ऐसे ही यहां लिख दिया आने की 2x। अगर इसके कोई इनिशियल मोल होते जैसे मान लेते हैं कि अमोनिया दीदी के पास 5 मोल पहले से थे तो दीदी के 5 मोल ऐड करते आने की 5 प्लस 2x कर देते, लेकिन दीदी के पास इनिशियल स्टेज में कोई मोल्स नहीं है तो इसलिए इनको कर दो
क्लियर, ये वैल्यू समझ गया ना ये। हाँ क्योंकि इनिशियल नहीं है इनके पास, इसलिए मैंने केवल 2x कर दिया गया है। इनके पास इनिशियल है तो उसमें से हमने माइनस कर दिया गया। क्लियर, तो आप देखिए बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका। मैंने देखा कि हाइड्रोजन तुम हो लिमिटिंग रिजेंट, तो इनने कहा क्या है तुम्हें टेंशन है, देख देना कितना है, 3 गुना वैल्यू हमारी एक साथ कम हो रही है। अगर रुपए कम होगा नाइट्रोजन का, 1 रुपए कम होगा तो इनके 3 रुपए कम होंगे। क्लियर, अगर इनके 2 रुपए कम होंगे तो इनके कितने होंगे, 6 रुपए कम होंगे, क्योंकि ये 3 गुना वैल्यू कम होगी। क्लियर, तो अब देखिएगा तो यहां मैंने कर दी वैल्यू लिमिटिंग रिजेंट्स है माइनस के 3x और यहां कर दिया 0। सर 0 क्यों किया, क्योंकि तुम हो लिमिटिंग रिजेंट्स इसलिए तुम्हारी वैल्यू 0 बचेगी। तो पहले निकालते हैं यहां से x की वैल्यू, तो बेटा कितनी आएगी 20 इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आएगी यहां से लगभग आ जाएगी यहां से 6.67 लगभग इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी अप्रोक्स। क्लियर, तो अब देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी बचती है, 10 माइनस के 6.67। क्लियर, हाँ तो इनकी वैल्यू बेटा बचेगी यहां पर, वो आएगी यहां पर 3.33, इतने मोल्स नाइट्रोजन के यानी बच जाएंगे, ये वैल्यू नाइट्रोजन के इतने मोल्स बच जाएंगे, तो बाकी कितने मोल बर्बाद हो गए, 6.67 इतने मोल, तो बच कितने गए, तो नाइट्रोजन के भैया के पास कितने बच गए, 3.3 मोल बच गए। अब इनके पास, इनके पास 0 मोल लेफ्ट। सर कहा है आप खुले आप इनका अपमान कर रहे हो, बेटा अपमान नहीं है क्योंकि ये लिमिटिंग रिजेंट्स है। क्लियर, हाँ अब यहां देखिएगा जितनी वैल्यू यहां कम हो रही है एक्स से, तो उतनी वैल्यू यहां बन जाएगी, तो मैंने लिख दिया यानी कि 2 into x, x कितना है 6.67। क्लियर, तो अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 2 7 4 6 कितना होगा 13 कितना होगा यार ये आपका होगा 7। क्लियर, तो इतने मोल्स जो है नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया गैस के इतने मोल्स बनेंगे, यानी कि 7.3 मोल जो मोल है वो अमोनिया गैस के बनेंगे, इनके 0 मोल रहेंगे हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के 3.3 मोल्स बच जाएंगे। क्लियर, तो पेपर में जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे, कई बार मैंने देखा क्वेश्चंस में वो पूछ लेता है हाउ मच मोल्स आर लेफ्ट एट द लास्ट ऑफ रिएक्शन या एंड ऑफ रिएक्शन, तो किसके मोल बचेंगे, नाइट्रोजन के 3.3 मोल्स, इनके 0 मोल्स बचेंगे क्योंकि तुम हो लिमिटिंग रिजेंट्स। क्लियर, हाँ अब जब आपको मोल पूछ लिए गए हैं तो वो ये भी पूछ सकता है कि यार मुझे ये बता दो कि अमोनिया कि तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम होगा, तुम कितने वॉल्यूम में घेर के बैठी हो, तो अमोनिया ने कहा तुम्हें लग रहा है कि हमारा जिस्म भारी भरकम है और तुम छोटे हो, तो जहर सी बात है कि हम ज्यादा जगह घेरेंगे ज्यादा वॉल्यूम घेरेंगे, तुमने कहा अगर तुम्हें शक लग रहा है तो आओ तुम हमारा वॉल्यूम घेर लो, तो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन ने कहा दीदी टेंशन मत लो हम तुम्हारा वॉल्यूम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम तुम्हारा निकालेंगे यहां से, तो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 और इनटू कितना 7.3 मोल, तो ये वॉल्यूम जो बेटा आएगा ये आएगा लीटर में वॉल्यूम आएगा जो वॉल्यूम इसका आ रहा है मोल्स अपॉन वो सॉरी इनटू 22.4, तो वॉल्यूम मिल जाएगा मुझे अमोनिया दीदी का कि इतने वॉल्यूम घेर के तुम बैठी हो आराम से। क्लियर, अब देखा जाए कि दीदी तुम्हारा वजन कितना है तुम्हारा वेट कितना है, दीदी ने कहा टेंशन मतलब पूरी भारी भर का हमारी बॉडी है, तो कहा नहीं तुम्हारा आज हम वेट भी चेक करेंगे, तो बेटा डब्ल्यू निकालोगे मोल्स इनटू मोलर मास, तो दीदी का मोल कितने हैं 7.34, मोलर मास कितना होता है इनके मोलर मास है 17, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, कितना होगा 17 हो गया इनका मोलर मास हो गया इनका, तो 17 बेटा यहां से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो जो आपका आंसर आएगा
वो ग्राम में क्या आएगा? वेट आएगा यानी कि अमोनिया का। ये पूछ सकता है, सारे फैक्टर पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो मेन चीज है वो निकालना है मोल्स। इसी प्रकार पूछ लेगा कि बताओ नाइट्रोजन कितने ग्राम बचेगी, तो मोल्स बचेगा इतने, तो मोल्स है तो वेट निकाल लोगे नाइट्रोजन का, कितना वेट आएगा यहाँ पर, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने बच गए, 3.3, मोलर मास 28। तो इतने ग्राम जो नाइट्रोजन गैस है वो लेफ्ट रह जाएगी या बच जाएगी। क्लियर, इनका सब जरूर रहेगा इनका। ऐसे वॉल्यूम पूछ सकता है कि ये बताओ नाइट्रोजन तुम्हारा कितना वॉल्यूम बच गया है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो यहां से। वॉल्यूम नाइट्रोजन का 22.4 और मोल कितने बच गए इसके, 3.3 मोल। ठीक, ये मोल लेंगे क्यों, क्योंकि लेफ्ट वॉल्यूम पूछ रहा है, लेफ्ट वेट पूछ रहा है। ठीक, कभी बहुत से महाजन जो है वो इसको रख देंगे बेटा ये मोल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो इनिशियल वाले मोल है जब रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक, तो ये मैंने देती है आपको तरीका कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ पर पूछ सकता है। क्लियर नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे जितना हो सकता मैंने आपको प्रॉब्लम दे दी है, ये था बेसिक। अब मैं आपको बढ़ाता हूँ कुछ अच्छे और कुछ क्वेश्चंस आपको आईए एग्जाम के क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पर आईए क्वेश्चंस एग्जाम के कौन से, यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर यह सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या बेटा यहाँ पर ये देखिएगा एग्जाम्पल में करो यहाँ पर ये आइए यही देखते हैं इसको। क्वेश्चन साइड बेटा यहाँ पर ये कर रहे हैं फाइंड, कर रहे हैं फाइंड find volume of CO2 gas, volume of CO2 gas produced at 1 atm into 273 केल्विन वेन 88 ग्राम ऑफ प्रोपेन रेट्स का मतलब होता है रिएक्शन करना, रिएक्ट विद कितना है 32.320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आइए देखिएगा ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम बता मुझे कि CO2 का कितना वॉल्यूम यहां पर बनेगा, वो कब, जब हम 88 ग्राम प्रोपेन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। कह रहे हैं ऑक्सीजन और प्रोपेन दोनों अलग अलग अपने बैकग्राउंड से, ऑक्सीजन भी घूम रहा है हमारा, अब प्रोपेन भी आवारा घूम रही है, दोनों देखते हैं बेटा क्या है। प्रोपेन का आपको पता होना चाहिए फार्मूला C3H8। प्रोप का मतलब होता है तीन, और क्या है एल्केन है, तो मैंने लिख दिया एल्केन मतलब हाइड्रोजन 8। ठीक, प्रोपेन का आप देखते हैं ये प्रोपेन जो है ना C3H8 ये जो रिएक्शन कर रही है ना किसके साथ कर रही है, आओ ऑक्सीजन तुमसे कुछ करते हैं बातें, चार बातें करते हैं और चार बातें में बेटा हो जाता है कुछ नया, और नया क्या होता है बेटा आप भी अच्छे जानते हैं, निकाल दी दोनों ने CO2 बाहर जाओ तुम। इतना ही नहीं बेटा जब ये जलेगी बेटा तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और इतना हो गया बेटा ये बॉडी इनकी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, पानी की बॉटम। क्लियर, अब ये प्रोपेन जो है ना ये कितनी है, सेम दिया होगा वेट इसका, यानी कि 88 ग्राम प्रोपेन है, 88 ग्राम प्रोपेन है।
करेगा 88 ग्राम प्रोपेन जो है वो 320 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तब कहीं जाकर CO2 बन रही है और क्या बनेगी, वाटर गैस। सर हम कैसे जाने कि CO2 तुम निकलोगी कि वाटर तुम निकलेगा, क्योंकि ये है कंबस्टन की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ये है कंबस्टन रिएक्शन। और मैंने आपको पढ़ाया है कि कंबस्टन रिएक्शन का जो फार्मूला होता है बेटा, मैं यहां लेता हूं, जगह नहीं मेरे पास, ये कंबस्टन रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, CXHY प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 4, यहां लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, रिएक्ट कराए यहां लिख दिया एक्स CO2 गैस प्लस, और यहां लिख दिया YY2 वाटर। ये रिएक्शन मैंने आपको कराई होगी कंबस्टन रिएक्शन। इतना ही नहीं बल्कि मैंने इस पे आपको भरभर थैला न्यूमेरिकल भी करवाए मैंने आपको, ठीक। हाँ क्वेश्चंस, तो ये किसकी है, कंबस्टन की रिएक्शन है। सर ये एक्स वाई क्या है, समझ नहीं आ रहा है। एक्स बेटा वो है कि बताएगा कि कार्बन एक है, कार्बन दो है, चार है। वाई बताएगा कि हाइड्रोजन एक है, दो है। ऐसे यहां इनकी वैल्यू है, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है इसका, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। ये सब मैंने आपको बताया हुआ, तो इसलिए इसको बेटा यहां से बोलते हैं अलविदा, कि जाओ तुम यहां से और तुम आना थोड़ी देर बाद जब तुम्हारी होगी जरूरत, ठीक। देखो अब इसको यार सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, कोशिश करते हैं। वेट देने का मतलब होता है कि आप उसको इनडायरेक्टली आपको क्या दिए हैं, मोल्स दिए हैं। कैसे, देखिएगा मोल्स क्या होते हैं बेटा, मोल होते हैं W अपॉन M, वेट अपॉन मोलर मास। इनका जो वेट कितना बेटा 88 ग्राम है। प्रोपेन का जो मोलर मास होता है वो होता है बेटा 44 होता है, क्योंकि कार्बन का कितना होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, कार्बन का होता है, देखिएगा कार्बन के पास कितना होता है 12 होता है, 12 लिख दिया। हाइड्रोजन पास कितना होता है 1, तो 12 और 3 कितना हो गए 36, तो 36 इसका आएगा यहां पर, ये 36 और 8 किसका आएगा, हाइड्रोजन का, तो कितना आएगा बेटा, ये सब आएगा, यानी कि 44 आएगा मोलर मास किसका, प्रोपेन का। तो मैं डाट लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, क्लियर। तो आप देखिए इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, ये 2 मोल्स आ गया किसका, यानी प्रोपेन के मोल्स आ गए। हमको जो वेट दिए हैं वास्तव में वो मोल दिए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दिए हैं, ठीक। वेट 88, मोलर 44, इसको करोगे दो बार जाएगा, तो 2 मोल दिए हैं प्रोपेन के। इसी प्रकार यहां देखिए इनके मोल निकालो बेटा ऑक्सीजन के, W कितना है और M कितना है, W है 320 और M कितना आता है, वो होता है 32। तो आप देखिए बेटा इनके जो मोल आ गए वो आ गए 10 मोल किसके है, ऑक्सीजन के, 10 मोल ऑक्सीजन के आ गए ये, क्योंकि 32 से बड़ा है कैंसिल होगा, ये देखना इससे ये कैंसिल और इससे बेटा ये कैंसिल, 2 आएगा, 2 बेटा मैंने ये लिख दिए, ये कितना बचेगा 10, तो 10 बेटा मैंने ये लिख दिए, क्लियर। हाँ तो ये मोल्स किसके आ गए, ऑक्सीजन के, ये मोल्स किसके आ गए, प्रोपेन के मोल्स आ गए 2 मोल्स। तो अब हम देखेंगे कि इनमें यार जो 2 मोल्स इसके हैं और 10 मोल इसके, यहां पर ऐसे मैंने लिख दिए कितने हैं ये। तो अब देखेंगे कि सर इनके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट्स है कौन नहीं है। तो आप देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। सर बिना बैलेंस काम नहीं चलेगा बेटा, बैलेंस करने के बगैर सवाल इसको आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्लियर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसकी बताओ एटम कितनी है, 3 है, और यहाँ एटम कितना है, 1 है, क्या बैलेंस है, क्या नहीं है ना। तो इसलिए पहले इसको करते हैं बैलेंस, करते हैं बैलेंस, देखना कैसे करोगे। यहाँ पर 3 कार्बन 1 कार्बन, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है एटम, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहां कितने हैं 2, तो बेटा यहां पर मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, यानी 8 योगा एटम हाइड्रोजन के और 8 एटम ये बराबर,
आप चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना है, कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ है चार और तीन छ, कितने होगा दस होगा ना, और यहाँ दो है तो यहाँ मैंने कर दिया पांच, यानी दस आइटम ये ऑक्सीजन के और छ ये चार, दस ये और दस ये बैलेंस होगा ना। तो अब देखिए इसके निकालते हैं कि लिमिटिंग डिजिट कौन है कौन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम मानते हैं वन, क्लियर। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका क्या होता है, इनके मोल कितने हैं इसके, टू मोल्स, स्टोमेट्रिक कितना, वन, वन लिख दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। ऐसे यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर तो यहाँ देखोगे इसके कितने मोल है, इसके दस मोल है, इसके कितना स्टोमेट्रिक है, फाइव है पर, तो अब इसके कितने आ गए, टू आ गए। सर अब तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई सर, कि इनके भी कितने हैं, दो, अब इनके भी हैं दो, तो सर अब क्या करेंगे, करेंगे क्या भाई, हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इस केस में ये बराबर है ये बराबर, तो दोनों ही काम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स पर, क्लियर। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, यहां पर फिनिश यहां पर होगी, यानी समाप्त हो जाएगी, समझ गया ना ये। और बेटा आपने देखा भी होगा कागज जलाओगे तो वहां क्या मिलेगा, सिर्फ आपको कालोच मिलेगी, आपको काली काली राख मिलेगी, ऑक्सीजन वहां मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना, कार्बन मिलेगा, जलकर राख हो जाएगा ना। इसी प्रकार अब देखिए यहां वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट्स बेटा ये भी काम करेगा, अब ये भी काम करेगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, इतना क्लियर। देखिएगा अब यहां जो वैल्यू है, मैंने मान ली यहां पर एक्स की, एक्स वैल्यू कम हो रही है, ऐसे मैंने यहां मान ली कि यहां कितनी वैल्यू कम हो रही है, एक्स यहां कम हो रही है, तो जो वैल्यू एक्स कम हो रही है तो यहां क्या बनेगी, यहां पर भी बेटा एक्स वैल्यू यहां पर बनेगी, यहां पर भी एक्स वैल्यू यहां पर भी बनेगी। अब देखते हैं कि यहां कितने गुना कम होती है, कितने गुना यहां कम होती है, तो यहां कितने गुना बनेगी, यहां कितने गुना बनेगी, क्लियर। देखिए यहां पर यहां कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, वैल्यू मैंने वन मान ली, ये देखिए यहां पर वन, ये क्या स्टोमेट्रिक कितना, वन, तो वन लिख दिया, ये कितना स्टोमेट्रिक है, ये पांच है, तो पांच मैंने ये लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू पांच गुना कम होगी, इसकी वैल्यू एक गुना कम होगी, और कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि इसके अगर एक मोल जा रहा है तो इसके पांच मोल जाएंगे, इसके पांच मोल जाएंगे तो कितने जाएंगे, इसके 25 मोल जाएंगे इसके, क्लियर। हाँ, तो ऐसे यहां कितना है, ये थ्री है, तो थ्री मैंने ये लिख दिया, फोर है बेटा ये, तो फोर मैंने ये लिख दिया, क्लियर। हाँ, तो अब देखिए यहां पर कितना, अब कम किसमें से होंगे, जो मोल है, मोल आने की टू माइनस एक्स, ये मोल यहां पर आ गए, ये टेन माइनस के फाइव एक्स, ये आ गए, क्लियर। अब ये कितने बचे यहां पर, ये आएंगे यहां पर 3x हो जाएंगे, और ये कितने बेटा, ये 4x हो जाएंगे, क्लियर। हाँ, तो अब मुझे पता है कि यार लिमिटिंग रिएजेंट दोनों ही क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं, तो चाहे इसको जीरो कर दो, उसको जीरो कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो मैं इसको जीरो कर दे रहा हूं, यानी कि 2 माइनस के x इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, 2 आ गया। अब दो की वैल्यू यहां रखोगे तो ये भी जीरो होगा, देखना tan माइनस के 5 इंटू एक्स कितना कर दिया, 2, तो tan माइनस के 10 बेटा कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये भी कितना है, ये भी 0 मोल लेफ्ट, ठीक, और ये भी 0 मोल क्या है, लेफ्ट। चाहे इसको निकाल लोगे 0 करके, 5x इक्वल टू 10, तो 5 बराबर कितना, 2, तो कितना हो गया, x बराबर 2 आ जाएगा, 2 यहां रख दोगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक, कहीं से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो अब बताइए x कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई यहां पर, तो अब यहां रख दीजिए 3 इंटू 2, तो जो CO2 गैस है उसके 6 मोल यहां पर मुझे मिलेंगे, यहां पर 6 मोल CO2 के, यानी कि CO2 गैस के यहां पर बनेंगे, यहां पर, ठीक। इसी प्रकार वाटर के कितने मोल बनेंगे, तो वाटर के यहां पर 8 मोल्स वाटर बनेंगे, वाटर के 8 मोल बनेंगे, CO2 के 6 मोल बनेंगे, क्लियर। ये है इनका सॉल्व करने का तरीका। तो पूछा क्या गया इसमें,
क्या पूछा है इसमें? अच्छा वॉल्यूम पूछा है सीटों का, सीटों का वॉल्यूम पूछा है, तो आओ वॉल्यूम निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप देखिए यहां से वॉल्यूम क्या होता है सीटों का, सीटों का वॉल्यूम निकालो बेटा यहां से कितना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू 22.4, कितने मोल बने हैं 6, वॉल्यूम कितना है 22.4, कितना होगा 6, कितना होगा ये 4 और कितना होगा यानी कि 8, यहां से कितना होगा 10 होगा यहां से, सॉरी यहां पर 10 नहीं आएगा ये 3 आएगा, कितना होगा 12, कितना होगा 12 और कितना होगा 14 होगा यहां पर ये 12 और कितना होगा 13 यानी कि 134 लीटर जो CO2 गैस वो बेटा बनेगी यहां पर, क्लियर। यहां पर मोल शब्द ये इतना वॉल्यूम ये, तो इस तरह जो पूछेगा आप यहां से निकाल सकते हैं। ऐसे बताओ यहां क्या मिलेगा, यहां बोलोगे सर जीरो मोल है, जब मोल जीरो है तो आप बोलोगे इसका वेट कितना रहेगा, जीरो रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, हर चीज जीरो रहेगी क्योंकि मोल ही जीरो है तो हर भाग तो जीरो रहेगा। अब मोल पूछा है, अगर वेट पूछता तो वेट निकाल लेते, वेट कैसे निकालते हम लोग, वेट निकालते CO2 गैस का वेट मोल्स और इनटू मोलर मास, कितने मोल है इसके 6 मोल है, मोलर मास कितना होता CO2 का 44 होता, कितने हो गए 6, कितने हो गए 24 हो गई है, और 24 और 2 कितने हो गई है 26, तो इतने ग्राम क्या है फिर ये CO2 गैस प्रोड्यूस होती इतने ग्राम, क्लियर। वॉल्यूम पूछेगा लीटर में आएंगे, मास पूछेगा इतने ग्राम आ जाएंगे, ठीक। तो कहीं से पूछ सकता है कोई एग्जाम में, कोई जरूर नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर यहां पूछता ऐसा पूछता वॉल्यूम पूछता, देखते हैं डिस्कस यहां पर, अगर आपसे पूछता कि वॉल्यूम बताओ वाटर का, वाटर का वॉल्यूम, तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, जीरो रहेगा। सर कहे मजाक कर रहे खुले आप, वो इसलिए बेटा क्योंकि वॉल्यूम जो होता है सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम हम एज्यूम करते हैं जीरो करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके मॉलिक्यूल काफी होते हैं यानी कि कंप्रेसिबल होते हैं। ये कहां लिखा है, ये लिखा सॉलिड वो गैसीय स्टेट चैप्टर बाहर लिखा है, ठीक। हाँ इसलिए क्योंकि यहां पर क्या निकल रहा है, ये जो निकलेगा ये जी वेपर निकलेगा, नहीं सॉरी ये होगा लिक्विड के फॉर्म होगा। लिक्विड को कैसे लिखते हैं हम लोग, लिक्विड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ यानी कि ये लिक्विड के फॉर्म निकलेगा, जैसे देखा हुआ कोई गीली लकड़ी जले या कुछ जले तो उसके ऊपर हाथ रखोगे या पानी गर्म करना, उसके ऊपर हाथ रखोगे ऐसा लगेगा हाथ कुछ सील गया है पानी से, क्लियर। तो किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड का सॉलिड का वॉल्यूम अज्यूम टू जीरो। तो इसलिए आपके पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर ये आंसर है तो आपका आंसर ये रहेगा, लेकिन अगर आंसर ये दिया है आपको सॉल्व करवा के यहाँ पर, ये वॉल्यूम ये मोल्स कितने निकाले हमने 8 मोल 22.4, देखिए यहां पर ये अगर ये मोल निकाले हैं तो वॉल्यूम कितना दे दिया यहां पर वाटर के 8 कितने हो गए 32 हो गए, 8 तो 16 और कितने हो गए 39 हो गए पर ये 8 दो 16 कितने हो गए और कितने हो गए 17, कितने हैं 1.2। अगर आपको इतना लीटर दिया है ये आंसर दिया गया तो ये आंसर गलत आंसर है, क्यों, आंसर जीरो होगा। वो एक आंसर ये भी दे देगा ताकि बहुत से कुछ बच्चे ये मोल की मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर दें और फौरन आंसर उनका मैच हो जाएगा, लेकिन आंसर गलत क्यों है, क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल। ये फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए होता है बेटा, ये मैंने ये लिखवाया था फार्मूला आपको, ये जैसे वॉल्यूम लिखवाया था मैंने यहां पर ये मोल्स इक्वल टू 22.4 और ये बताया था मैंने ये किस में आएगा, ये वॉल्यूम लीटर में आएगा, मोल्स वॉल्यूम 22.4। फिर मैंने लिखवाया था कंडीशन HTP होना चाहिए या NTP होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इसके लिए लगेगा, ओनली गैस के लिए लगेगा, लिक्विड सॉलिड के लिए ये नहीं लगेगा, क्लियर। हाँ ये पता होना चाहिए HTP मतलब होता है, इनका मतलब बेटा होता है जैसे आपको 1 ATM बोले या 1 bar बोल दे, ठीक। हाँ या 760 mm Ag बोल दे, 273
केल्विन बोले, 0 डिग्री सेल्सियस बोले, ये सब कंडीशन क्या बेटा, ये सब कंडीशन है, मतलब क्या है, यानी कि एचटीपी क्या है या एनटीपी क्या है, क्लियर? हाँ, तो इसलिए सारा क्लियर कर दिया मैंने कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम वाटर का कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो किसके लिए है, वो फार्मूला केवल गैस के लिए वैलिड है, ठीक, क्योंकि वो ऑप्शन दे सकता है ऐसा, लेकिन आंसर जो 0 होगा वो आंसर होगा, ठीक। इतना क्लियर नहीं है, इतना चीजें आपको सारे यहाँ पर ये क्लियर यहाँ पर, ठीक नहीं है, और देखता है इसमें क्वेश्चन यहाँ पर ये, इतनी चीजें यहाँ पर लोगों ने क्लियर कर ली है, इसी तरह की क्वेश्चंस बड़ा यहाँ पर ये हैं, इतना क्लियर नहीं है, हाँ, क्लियर बस यार, इतनी प्रॉब्लम है इसकी वजह से, अब बाकी हम लोग फिर पढ़ेंगे, नया बनाएंगे इसमें लेक्चर, परसेंटेज ऑफ यील्ड, परसेंटेज यील्ड यानी रिएक्टेंट यील्ड कितने निकालेंगे, प्रोडक्ट यील्ड कैसे निकालेंगे, प्लस हम इस पे करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन वो बातें अपनी स्टार्ट होंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक अपना स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, मात्र है 17 दिन, 17 दिन में लग जाइएगा दिलो जान से, क्लियर रहिए, थैंक यू स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय, टाटा।